How are you? I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel, that is Easy Learning with Munish Kumar. In previous lecture, we discussed about light emitting diode. Light emitting diode ke baare mein humne jo hai pichle lecture mein kiya tha. Today, we discuss about solar cell. Aaj hum jo hai basically solar cell ke baare mein discuss karenge ki solar cell hote kya hai basically. To solar cell ke baare mein chaliye dekhte hain. What is solar cell? Dekho, aapne लाइट एमिटिंग डायोड में देखा था कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता था, फोटोडायोड में आपने देखा था जो इलेक्ट्रिक लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो। अब ये जो सोलर सेल होता है, ये ऐसा पीएन जंक्शन डिवाइस होता है जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करे, कन्वर्ट करे। किसको? सोलर एनर्जी को। सोलर मतलब जो सूर्य की रोशनी होती है, जो सनलाइट होती है। अब आप फिर से बोलेंगे कि यार फोटोडायोड में भी ऐसा ही था। फोटोडायोड में सिंपली लाइट की बात की थी, यहाँ सोलर एनर्जी है, मतलब सन से मिलने वाली जो रोशनी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। सिंबल देखिए इस तरह का होता है। बेसिकली हमने सेल बनाया हुआ है, सेल का होता है ना सिंबल इस तरह से। सेल का सिंबल बेसिकली इस तरह से होता है। तो P को पॉजिटिव टाइप, N को नेगेटिव टाइप मान लिया इस तरह से, और इसके बाहर ये सेल से सोलर बने इसलिए हमने इस तरह से राउंड जो है सर्कल इसको लगा दिया है, और इस पर हमने एनर्जी फॉल करवाई है सनलाइट। तो इसी ये सिंबल है आपका सोलर सेल का बेसिकली। नाउ व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल। देखो बेसिकली कंस्ट्रक्शन की जब आप बात करते हैं ना, तो आप सोच रहे हो यार इतना बड़ा डायग्राम, कोई भी टफ नहीं है, दिस इज वेरी इजी, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। बेसिकली इस डायग्राम को समझने से पहले मैं सिंपली इस डायग्राम को समझ, देखो ये जो मैंने डायग्राम इस तरफ बनाई हुई है ये सिर्फ समझने के लिए, बाकी ये ड्रॉ नहीं करनी है आपने, ये ओनली सिर्फ समझने के लिए है। ओरिजिनल डायग्राम ये वाली है, ठीक है ना, ये इस तरफ वाली ओरिजिनल डायग्राम, बाकी ये समझने के लिए। और आप ये बात ध्यान रखें कि सोलर सेल में ना ही फॉरवर्ड बायसिंग का यूज होता है, मतलब हम सोलर सेल में रिवर्स और फॉरवर्ड बायसिंग का यूज नहीं करते हैं, मतलब किसी भी तरह की बायसिंग हम सोलर सेल में नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या है, सोलर एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है, मतलब वही खुद सोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे हमने क्या किया, पीएन जंक्शन डायोड बनाया, ये पी है ये एन है। अब हमने इसको कोई भी बायसिंग नहीं करवाई, किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करवाया है, और हमने एक बात की यहां पर कोई भी आउटपुट लोड रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट करना है। लोड रेजिस्टेंस आप बल्ब भी लगा सकते हैं, मतलब जिस पर आप देखना चाहते हैं भाई यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई, लोड रेजिस्टेंस आरएल भी लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहते हो, बल्ब भी लगा सकते हैं, जो भी आप सूट करे जो चीज आपको, ठीक है ना। तो बेसिकली जैसे ही इस पर लाइट फॉल होगी, सनलाइट, ध्यान रहे सनलाइट, सोलर की बात है तो सोलर एनर्जी, और यहाँ पर उसकी एनर्जी जो है एनर्जी गैप से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कि जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप है वो ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहां एनर्जी पड़ेगी, आपको पता है पहले यहां पर डिफ्यूजन हुआ है कि जो एन टाइप से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए तो नेगेटिव चार्ज यहां बन गया, पॉजिटिव चार्ज अपोजिट साइड में बन गया। तो अब आप एक यहां चीज देखेंगे, आपने पीछे भी देखा था जब हमने फोटोडायोड की बात की थी, तो हमने वहां एक चीज देखी थी कि जब आप इस पर एनर्जी सोल फॉल करवाते थे तो यहां पर देखो फोटोन आया, फोटोन होल और इलेक्ट्रॉन साथ होता था। अब जैसे ही ये इस पर गिरेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा, तो होल बच जाएगा। तो एक तरफ पॉजिटिव साइड में जहां पर आपकी पॉजिटिव साइड पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है डिप्लीशन लेयर में एन की तरफ, वहां पर होल्स क्रिएट हो जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन क्रिएट आपके पी की तरफ, जहां नेगेटिव चार्ज आपका जनरेट हुआ है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट आ जाएंगे आपके, मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहां पर जनरेट हो जाएगी। अब बेसिकली क्या होगा,
अगर इस तरफ इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉजिटिव, मतलब ये इन होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इन होल्स को धक्का लगाएंगे और पी की तरफ भेज देंगे, मतलब ये अपनी जगह पर आ गए जिस तरफ होल्स थे। उसी तरह इस तरफ भी पॉजिटिव चीज होगी, ये इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव द्वारा, मतलब होल्स के द्वारा क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और इन इलेक्ट्रॉनों को ये धक्का लगा देंगे पॉजिटिव चार्ज, तू जा अपनी जगह में, एन टाइप की तरफ ही भाग जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तो बेसिकली क्या होगा, अब जब वो यहां पहुंच गए तो बेसिकली इस सर्किट में भी फ्लो करना शुरू कर देंगे। अब आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, करंट मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो वहां पर क्या हुआ, करंट जो है यहाँ पर आपका उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा और उसका आउटपुट आपको यहाँ मिल जाएगा बेसिकली। तो यही बात जो है यहाँ पर भी बताई गई है, ये डायग्राम सिर्फ समझने के लिए, बाकी एग्जाम्स में तो ये बनानी है, नहीं तो ये सिंपल सी डायग्राम है, मैं बताऊंगा आपको। तो बेसिकली होता क्या है सोलर सेल में, चलिए इसको हम जरा डायग्रामेटिकली देखते हैं। डायग्राम में सारी चीज वही है, डायग्राम में मैंने आपको कंस्ट्रक्शन भी बता दी, कंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या करना होता है, देखो कंस्ट्रक्शन हम बेसिकली देख लेते हैं। जैसे ये हमने पी एन जंक्शन बनाया हुआ है, इस तरह का एक बॉक्स टाइप होता है बना हुआ, इस तरह का बॉक्स टाइप जो है आपका सोलर सेल में बनाया गया होता है रियलिटी में जो होता है, ठीक है। इसमें जो है ये एन टाइप ऊपर रखा जाता है, पी टाइप को नीचे रखा जाता है, और ये जो बीच में आपको शो हो रही है ये इसी तरह, ये साइड रीजन है, ये फ्रंटल व्यू है और ये आपका साइड व्यू है, इसके बीच में ये जो रीजन है ये डिप्लीशन लेयर बनाई हुई है। और ध्यान रहे, आपने ये चीज देख रहे होंगे कि ये जो एन रीजन है, एन जो रीजन है ये ज्यादा आपका थिन है एज कंपेरिजन टू पी रीजन, मतलब एन को हमने थिन क्यों बनाया हुआ है, ताकि जो लाइट आए, क्योंकि उस लाइट को पहुंचना है डिप्लीशन लेयर तक, ताकि वो लाइट जो है जल्दी से जल्दी, पतली जितनी पतली लेयर होगी उतनी जल्दी लाइट पहुंच जाएगी, तो एन रीजन को क्रॉस करके फटाफट डिप्लीशन लेयर तक वो पहुंच जाए। और इसकी थिकनेस हमने 0.3 माइक्रोमीटर रखी है, पी की थिकनेस हमने 300 माइक्रोमीटर रखी है, तो ये बात का आपने ध्यान रखना है। अब इसमें देखो जो एन सरफेस है, एन सरफेस के ऊपर जो आपका फ्रंटल व्यू है ऊपर की तरफ से, वहां पर हमने ये देखो मेटल फिंगर्स रखी हुई है, ये देखो मेटल फिंगर्स, ये आपको मेटल फिंगर्स दिखाई दे रही है। अब आप सोचेंगे हमने ये फिंगर्स ही क्यों ली, चाहते तो हम पूरी प्लेट भी रख सकते थे, बट अगर हम प्लेट रख देते तो लाइट अंदर एंटर नहीं कर पाती, इसलिए हमने यहाँ पर फिंगर्स रखी हुई है, मेटल की पतली पतली स्ट्रिप्स रखी हुई है, ताकि ये जो बीच में स्पेस बचा यहां से लाइट जो है फटाक से डिप्लीशन लेयर के अंदर एंटर कर जाए, एन के अंदर एंटर करे, एन से डायरेक्ट डिप्लीशन लेयर, और ये नीचे हमने मेटल कॉन्टेक्ट बनाया हुआ ताकि करंट इजिली फ्लो कर सके वहां पर। अब बेसिकली यही बात है, जैसे ये सूर्य दादा अपनी लाइट को यहाँ फॉल करवाएंगे, ये यहाँ पहुंचेगी और वही सारा यहाँ पर जंक्शन हो जाएगा, आपके होल्स यहाँ से यहाँ जंप करेंगे जो डिप्लीशन लेयर में थे, और यहाँ से आपके होल्स पहुंचे, और इलेक्ट्रॉन इस तरफ, जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूवमेंट करेंगे तो आपका करंट इस डायरेक्शन में होगा और आपको आउटपुट RL के अक्रॉस मिल जाएगी। तो यही पॉइंट है और कुछ नहीं है। अब देखो, अगर इस डायग्राम को आपको ज्यादा टाइम लगेगा, अगर आप इस डायग्राम को टफ समझ रहे हैं, तो बेसिकली आप इसकी जगह ये सिंपल सी डायग्राम बना सकते हैं एग्जाम में। तो कुछ नहीं किया है, ये आपने मेटल फिंगर्स बना दी है, ग्लास विंडो है जिससे पास होगी, ठीक है, ये एन है, डिप्लीशन रीजन है, पी है, और ये मेटल कॉन्टेक्ट है, और इस तरफ हमने क्या किया है, हमने इसको अक्रॉस कर दिया। तो यही सारा था, और थ्योरी कंस्ट्रक्शन की मैंने सारी आपको यहाँ पर बता दी, और वर्किंग भी मैंने आपको बता दी कि क्या होगा, ठीक है ना। होल पेयर क्या होगी, जनरेट होंगी, जैसे क्या होंगे, फोटोन लाइट के गिरेंगे उस पर, होल पेयर डिप्लीशन पर लेयर पर क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। देखो ना, ये आपका पी एन जंक्शन है, ठीक है ना, ये पी है आपका और ये एन है, तो इस डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगी, तो जो होल्स यहां पर थे आपके वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन उनको धक्का लगा के फिर से पी जंक्शन की तरफ भेज देंगे, इलेक्ट्रॉन की तरफ भी उल्टा ही होगा, एन की तरफ भी, तो
एंड इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करेंगे तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो यही पूरी फील्ड वहां पर जनरेट हो जाएगी। तो वही बात आपकी यहाँ पर बताई गई है, और फोटो करंट फ्लो करेगी। फोटो करंट मतलब फोटोन की वजह से करंट हुई, इलेक्ट्रिक नहीं बोला हमने उसको, फोटोन करंट बोला, क्योंकि जो फोटोन की लाइट की वजह से, लाइट के फोटोन्स की वजह से जो हुई। अब नेक्स्ट हम इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। बड़ी सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है ना। अब हमने BI कैरेक्टरिस्टिक देखनी है, कुछ नहीं है BI कैरेक्टरिस्टिक में, चलिए देखते हैं। अब VI कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, जो VI कैरेक्टरिस्टिक होती है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस के। देखो ना, आप इस तरफ देख रहे हैं बेसिकली। अब देखो, एक मैंने यहां पर VOC बताया है। VOC जो है वोल्टेज ऑफ ओपन सर्किट, और ISC करंट ऑफ शॉर्ट सर्किट। अब ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट में क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। बेसिकली जो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में हम कुछ भी आउटपुट नहीं लगाएंगे, मतलब आप इसको भूल जाओ, इसको छुपा दो रेजिस्टेंस को, तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये ओपन सर्किट है। अब देखो, ओपन सर्किट के टाइम वोल्टेज तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट हुई है, बट क्या करंट, हमें कहां पता लगेगा भाई, हमने आउटपुट ही नहीं लगाई है, हमें कोई पता नहीं लगेगा। तो यहां पर जो होगी होगी, करंट जीरो होगी। जब ओपन सर्किट होगा तो करंट जीरो होती है, ओपन करंट में सर्किट जीरो होगा, सर्किट में करंट जीरो होगा ओपन सर्किट में, क्योंकि स्विच आपने ऑन ही नहीं किया, आउटपुट ही नहीं लगाई है, ठीक है ना। तो तभी यहां पर बताया गया VOC वोल्टेज तो मिली है, बट करंट यहां पर लाई कर रही है, मतलब जीरो है। ये देखो जीरो यहां पर एक्सिस पर ही है, जबकि शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है अगर आप कोई आउटपुट पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में आपने ज्वाइन की हुई है, मतलब ये आउटपुट आपने ज्वाइन की हुई है। तो यहां पर देखो, वोल्टेज देते हुए भी करंट वहां होगा, वोल्टेज यहाँ जीरो हो गई, करंट यहाँ फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। वोल्टेज जीरो हो जाएगी, करंट यहाँ फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो देखो, करंट यहां पर पीक पर है, ठीक है ना, करंट यहां पर, करंट की कोई ना कोई वैल्यू है, वोल्टेज की इस तरफ कोई वैल्यू नहीं है, तो यही आपको शो कर रहा है। अब ये नीचे क्यों बताया, क्योंकि ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रखा गया है। बेसिकली इसको हमने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन चली ना करंट की, जैसी चलनी चाहिए थी उससे अपोजिट आई डायरेक्शन, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको डाउन दी फोर्थ क्वाड्रेंट रखा हुआ है। तो बेसिकली यही VI कैरेक्टरिस्टिक है। अब लास्ट हम यूजेस, देखो जो सोलर सेल होते हैं, सोलर पैनल्स में इनका यूज किया जाता है, सोलर पैनल लगाए जाते हैं ना घरों की छत पर, जिससे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपको बिजली का किराया देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, कोई मीटर नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, बेसिकली आपने डायरेक्ट कनेक्ट करता होता है अपने अप्लायंसेस को, ठीक है। चार्जिंग स्टोरेज बैटरी में भी सोलर सेल काम आते हैं, छोटे छोटे आर्टिफिशियल सैटेलाइट में भी, कुछ एक कैलकुलेटर और रिस्ट वॉचेस में भी आपके सोलर सेल यूज होते हैं। तो बेसिकली ये सारा सोलर सेल के बारे में था, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर की, ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो गाइज, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड अ बेस्ट ऑफ लक।